हमारे देश में कुछ वीर सपूत ऐसे भी हैं जो अपनी जान की कीमत पर इस आज़ादी को सुरक्षित रखे हुए हैं। ऐसे ही एक वीर पैरा कमांडो मेजर मोहित शर्मा की बहादुरी के किस्से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को मेरठ के जनपद के रासना गांव में हुआ था। शहीद मेजर मोहित के परिजन उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, ऐसे में मेजर मोहित एंट्रेंस देकर पास भी हो गए थे, मगर देशभक्ति का जज्बा उनमें बचपन से था। ऐसे में उन्होंने एनडी का एग्जाम दिया जिसमें उनका सिलेक्शन हो गया और वो देश सेवा में जुट गए। वो 2009 में कैप्टन से मेजर बन चुके थे। मार्च 2009 में अपनी टीम के साथ वो कश्मीर के कुपवाड़ा में थे जहां उन्हें जंगल में आतंकियों के कैंप होने की सूचना मिली। मेजर ने अपनी टीम के साथ जंगल में कैंप लगाया और 21 मार्च 2009 की घटना है जब मेजर और उनकी टुकड़ी की आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हुई और इस मुठभेड़ में मेजर मोहित को गोली लग गई। मेजर मोहित के दो साथी भी गोली लगने से जख्मी हो गए थे और ऐसे में मेजर मोहित ने अपने दोनों साथियों को वहां से निकाला और गोली लगने के बाद भी वो वीर गति को पर्याप्त होते होते ग्रेनेड फेंककर चार आतंकियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में सेना के मेजर समेत 8 जवान शहीद हुए और मेजर मोहित की वीरता को देखते हुए शहादत के बाद अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर मोहित शर्मा के असाधारण वीरता तथा प्रत्येक नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए आतंकियों को हर पल डटकर सामना किया था। जम्मू कश्मीर में अन्य मुठभेड़ के दौरान मेजर ने अपने साथियों के साथ आतंकियों को खराशाही किया, जिसके लिए उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया था। सोपिया में अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए मेजर मोहित शर्मा ने सबसे पहले दाढ़ी मूंछ बढ़ाई। उन्होंने अपना नाम बदलकर इफ्तिखार भट्ट रख लिया था। इसके बाद वो आतंकियों के गेटअप में आ गए, तब उन्होंने इफ्तिखार भट्ट बनकर हिजबुल के आतंकियों से संपर्क में आए और उनका सफाया किया। अब मेजर मोहित शर्मा पर फिल्म बन रही है, फिल्म का नाम इफ्तिखार रखा गया। इसका फर्स्ट लुक 22 जनवरी को रिलीज कर दिया गया था और फिल्म के पोस्टर की बात करें तो इसमें मेजर मोहित शर्मा के इफ्तिखार लुक को दिखाया गया है। सो आई होप आपको मेजर मोहित शर्मा की स्टोरी ने इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया होगा। तो इस वीडियो को दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय हिंद।